क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर में हुआ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन। तिलका मांझी चौक पर नगर निगम कार्यालय परिसर में सीएम नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रधान सचिव और नगर आयुक्त का पुतला दहन किया गया। बताते चले कि नगर निगम कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। दूसरी तरफ सड़क पर भी कचरा पसरा हुआ है, परंतु उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। साथ ही बताते चले कि पिछले चार दिन में हड़ताल के चलते 850 टन कचरा शहर में जमा हो गया। वहीं आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश भागलपुर वाटर वर्क्स यूनियन, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ और जन अधिकार युवा परिषद के हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। इन सभी संस्थानों के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी एवं अफसरशाही के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारियों के सभी मांगों के समर्थन में आज हम सभी संस्थान हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जन अधिकार युवा परिषद भागलपुर, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश, बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ भागलपुर, वाटर वर्क्स यूनियन के तत्वावधान में आज यह विशाल हल्ला बोल प्रदर्शन रहा। बताते चले कि पूरा शहर एक बूंद पानी के अभाव में भटक रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले चार दिन में 850 टन कचरे से ज्यादा शहर में जमा हो गया। इसी बाबत सभी संस्थानों ने मिलकर आज तिलका मांझी चौक व नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रधान सचिव और नगर आयुक्त का पुतला दहन किया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में हल्ला बोल प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और उनका रूप काफी उग्र दिखा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम अपने काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ शहर का हाल बेहाल है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पूरा शहर कचरे से भरा पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे इस पर प्रशासनिक रूप से क्या सुध ली जाती है। लोग विगत 3 माह से अनेकों इस्तेमार देते रहे, सरकार ने हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया। अंततः गतवा बाध्य होकर हम 7 सितंबर से स्ट्राइक पर हैं। बिहार राज्य आसानी का कर्मचारी महासंघ, लोकल बॉडीज एम्प्लाई फेडरेशन, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, दोनों के सहयोग से हम 7 तारीख से हड़ताल पर हैं। और हमारी मांग ये है कि जितने भी दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं, उनका स्थायीकरण किया जाए। 10 वर्ष से अधिक कर चुके हैं और उनको 18,000 जो सरकार की न्यूनतम वेतन घोषणा है, 18,000 दिया जाए। दूसरी बात है, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, पदों का सृजन किया जाए। एक साजिश के तहत मैंने चतुर्थ वर्गीय दलित परिवार से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित करने की साजिश की गई है और इसको प्राइवेटाइजेशन में जानने का प्रयास किया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004826539। भागलपुर में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, लॉयंस क्लब ऑफ भागलपुर, प्राइम एवं मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर के द्वारा मोती मात्री सदन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में अभी तक लगभग 250 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। मौके पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। मौके पर कमलेश कुमार सिंह, एमरा जनरल सेक्रेटरी सुमित कुमार जैन, जो चार्टर प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम के हैं, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। साथ ही सभी संस्थान के सारे सदस्य भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। भागलपुर व्यवहार न्यायालय कहलगांव नवगछिया में लगाए गए राष्ट्रीय लोक अदालत के बेंच, कई केसेस के हुए निष्पादन ऑन द स्पॉट। राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में भी किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सह जिला और सत्र न्यायाधीश भागलपुर एवं जिलाधिकारी भागलपुर, सिटी SP के साथ साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में दीप प्रज्वलन कर सामूहिक रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य पदाधिकारी, शहर के गणमान्य अधिवक्ता, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदि उपस्थित थे।
नामांकन में 27 मुखिया 17 सरपंच सहित कुल 432 ने किया पर्चा दाखिल। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन में कुल 432 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मुखिया पद के लिए कुल 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें सैनो पंचायत से रितेश कुमार और त्रिभुवन साह ने, जगदीशपुर पंचायत से रूबी देवी, भवानीपुर देसरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सुजीत मंडल और कैलाश मंडल, चांदपुर पंचायत से मुन्नी देवी, विनीता चौधरी, रंजीता देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं पुरैनी उत्तरी से आमना खातून, फरहाना जमाल, अस्करी खातून, पुरैनी दक्षिण से मोहम्मद शाहबाज अंसारी, पुरैनी टोला सोनू चक से रेखा देवी एवं रेणु देवी, साजंगी से सम्यारा परवीन, इमामपुर से जाहिदा खातून और रूना लैला नाज, जमुनी से राजेश पासवान, चांद आलम, सनहौली से ज्ञान वर्धन झा, बैजानी से श्रवण कुमार, मोहम्मद मानू, शंकर चौधरी, अरविंद यादव, मोहम्मद मुस्तकीम, मिथिलेश महलदार, कुमार कृष्णानंद एवं ललन यादव ने नामांकन दाखिल किया। वहीं सरपंच पद के लिए 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा। पंचायत समिति सदस्य के लिए 31 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। वहीं वार्ड सदस्य के लिए 288 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और पंच पद के लिए 69 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हिमाचल प्रदेश से अपहरत नाबालिग लड़की को नवगछिया के रामनगर बिंद टोली से किया बरामद। हिमाचल प्रदेश से अपहरत नाबालिग लड़की नवगछिया के रामनगर बिंद टोली से बरामद की गई। आरोपित नवगछिया थाने के रामनगर बिंद टोली निवासी प्रहलाद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला बदी थाना टेला के एएसआई पुरुषोत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर बिंद टोली निवासी प्रहलाद बेरोजगार था। लड़की की मां बहन बहनोई हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। लड़की का मां प्रहलाद के रिश्तेदार है। लड़की मां ने प्रहलाद को हिमाचल प्रदेश काम करने के लिए बुलाया था। प्रहलाद लड़की के घर रहकर वहां मजदूरी करने जाया करता था। इसी दौरान 1 सितंबर को लड़की को अपहरण करके रिश्तेदार कटिहार आ गया। लड़की की बहन ने टेला थाना में 2 सितंबर को अपहरण व प्रॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई। लड़की की उम्र 12 वर्ष है। प्रहलाद कटिहार मंदिर लड़की के साथ शादी किया। शादी करने के पश्चात वो घर आ गया। लड़की के साथ प्रहलाद घर में ही रहता था। हिमाचल प्रदेश की पुलिस व लड़की की मां नवगछिया थाने आई। स्थानीय पुलिस के साथ लड़की को रामनगर बिंद टोली से गिरफ्तार किया। आरोपित को पुलिस ने नवगछिया न्यायालय में उपस्थित किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपित व बरामद लड़की को अपने साथ ले गई। कुमार तो वहाँ जो गया था तो काम करने गया था, भाग गया, लड़की लेके भाग गया। क्या हुआ, क्या था मैटर, क्या था? अच्छा, तो कहां से वहां से कब भागे थे? दो तारीख को। वहाँ से कहाँ आए? वहाँ से सीधा बिहार। कहाँ? इधर कहीं रुक गए थे मंदिर में, कटिहार में। बोलो ना क्लियर, तो आधा बात क्या बोलता है? क्लियर बोलो ना, जहाँ जहाँ गए। टेला गांव पड़ता है वहाँ बद्दी में ना। कौन सा गांव? टेला गांव ना। टेला। ये जिला कौन सा है? जिला बद्दी, पुलिस जिला बद्दी है हमारा। बद्दी। और जिला? जिला सोलन। वैसे सोलन पर पुलिस जिला उसमें बंटा हुआ है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी जी। तो वहाँ से ये इसको पहली फर्स्ट को 1/9/21 को अभी है ना अपने साथ लेके आया था ये जी। तो ये है अंडर एज लड़की अभी जी। हाँ, 12 साल। तो यही लड़का लेके भागा था। हाँ, ये भागा। वो ये नेम्ड था वहाँ पे, बाय नेम था हमारे पास। लड़की का उम्र कितना है? लड़की का उम्र 12 साल है अभी। FIR कौन किया था सर? FIR इसकी बहन ने करवाया था हमारे पास, किरण ने। अच्छा, तो फिर उसके आधार पर ये प्रहलाद का नाम इसमें आया था यहाँ पे। तो उसको फिर आज हमने आज ही दिन में अरेस्ट किया इसको 12 बजे ना 2 बजे। तो फिर इसको यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेके जा रहे हैं। आपका सर नाम हो गया? मेरा नाम है जी ASI परसोत्तम सिंह। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमिहरा मुसरी घरारी NH103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। बीलिस BBA BCA BJMC BEd DEd MEd में नामांकन जारी है। नवगछिया के तेतरी में गणपति पूजन पर आयोजित भक्ति कथा में शिव विवाह झांकी का प्रदर्शन। गणेश पूजा के अवसर पर नवगछिया अनुमंडल के तेतरी गांव में महेश प्रसाद सिंह के दरवाजे पर धूमधाम से आयोजित किए जा रहे गणपति पूजा समारोह में शनिवार को आयोजित भक्ति कथा में शिव विवाह के झांकी का प्रदर्शन हुआ। झांकी के दृश्य में भगवान शंकर के रूप में मुस्कान कुमारी, पार्वती के रूप में माही कुमारी, सखा के रूप में जिया कुमारी और
अद्रिका कुमारी, नारद के रूप में राधे कुमारी, भूत प्रेत में सोनू कुमार, शिवम कुमार, घोलटू पलटू सृष्टि कुमारी, डुगू कुमार, ओम कुमार, आयुष कुमार, जीतू कुमार, राघव चौधरी सहित दर्जनों बच्चे मौके पर उपस्थित थे। जबकि देर रात कथा में भजन का कार्यक्रम गुलशन म्यूजिकल टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। कथावाचिका पूजा भारद्वाज द्वारा शिव विवाह का कथा का श्रवण कराया जा रहा था। मौके पर स्थानीय कलाकार गायक अतुल कुमार ने अपने भजनों से सबों को झूमने पर विवश कर दिया। मौके पर समाजसेवी संजीव कुमार उर्फ झाबो, गौतम चौधरी, शिव शंकर प्रसाद सिंह, सुमन कुमार सिंह, कुमार संजीव मंटुंदा, गुड्डू सिंह, शंभू चौधरी, मुकेश सिंह, कन्हैया झा, मुकेश राय, सम्राट राय ने बताया कि यह आयोजन रविवार तक चलेगा। सोमवार को गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय ग्रामीण एवं तेतरी युवा संगठन के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल रहेंगे। तो एक घंटा लगते बड़ा अभी देखो टाइम है, देखो टाइम देखो टाइम देखो ना वीडियो का है गुलशन भैया, दो मिनट से ज़्यादा लगेगा तो चले जाएंगे भैया। आठ वहाँ देखिए, सबसे प्रथम मैं यह बता दूं कि यह हमारे तेतरी गांव के युवाओं की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो पूरा ज़ोर शोर से करते हैं। यह पूजा जो है 2005 ईस्वी से हम लोगों के गांव में प्रचलित हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं का पूजा होता था, लेकिन गणेश पूजा गांव में विस्तृत रूप से नहीं होता था। इसको हमारे युवाओं ने एक विचार करके 2005 ईस्वी से लगातार आज तक हर साल संगठित होकर ऐसा करते हैं कि हमारे गांव की एक जो संस्कृति है उसके हिसाब से लगता है कि हमारे गांव के युवा इसी बहाने एक होते हैं और पूरा जोर शोर से संगठित होकर ऐसा धमाल मचा के करते हैं कि 15-16 साल से यह एक हमारे संस्कृति के साथ जुड़ गया है और यह पूजा हमारे गांव के लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आता है कि इस बहाने बीच बीच में हमारे युवा एक जगह संगठित होते हैं। और बताए यहाँ के पूजा के बारे में। मेरा नाम कन्हैया कुमार झा है, हमारा घर तेतरी है और हम यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग ये जो पूजा है 2006 से ही कर रहे हैं, यानी कि 14-15 साल हो चुका है अभी पूजा कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी सब संजीव दा बता रहे थे कि एकत्रित होकर, ये इन्होंने सही कहा कि हम लोग एकजुट होकर पूजा करते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं और इसमें अब क्या कहें ज़्यादा हम आपको। बताइए किस तरह पूजा अर्चना होती है यहाँ। मैं मेरा नाम मुकुल नारायण कुमार है, मैं ग्रामीण ही हूँ और यहाँ लगभग हमारे हिसाब से 14-15 साल से हो रहा है पूजा और शुरू से ही मैं ही हूँ। हमारी समझ से और यहाँ के जो पूरे ग्रामीण वासी हैं उनके आस्था गणेश जी पर टिका हुआ है और हम पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे गांव में कि 13-14 साल से जो हमारे आचार्य हैं सुमन जी और घर वाले का भी अति उत्तम प्रतिदिन वो उन्नति हो रहा है और गांव में भी सब तरह से किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और सब तरह से मन चैन है। सद्भावना भी मेरे गांव में, विविधता में एकता है। नवगछिया के समाज सेवी गोपाल भारती के पुत्र बने दंत चिकित्सक। नवगछिया शहरी क्षेत्र के समाज सेवी सर डॉक्टर गोपाल भारती के बड़े पुत्र आदित्य भारती ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। समाज सेवी सह चिकित्सक गोपाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उनके बड़े पुत्र आदित्य भारती ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब वह जल्द डेंटिस्ट बनकर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। डॉक्टर आदित्य ने इस कामयाबी पर अपने माता पिता और परिवार वालों को इसका श्रेय दिया है। डॉक्टर आदित्य ने इस कामयाबी पर बाबा गरीना सेवा समिति एवं शिव शाम सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, धर्मेंद्र गुप्ता, मिथुन महुआ मदेसिया, CNGN के अध्यक्ष अनुगुप्त शाह, श्रीधर शर्मा, संतोष गुप्ता, अशोक केडिया, विक्रम भुडोलिया, शरद योगी, केशव पांडे सहित दर्जनों लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भवानीपुर में हुआ भजन संध्या का आयोजन, आज होगा मटका फोड़ प्रतियोगिता। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अंगरा चौक प्रखंड के भवानीपुर गांव में शनिवार को देर शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामीणों की भागीदारी थी। आयोजन मंडल के सदस्य पिंटू यादव, मुंशी यादव, अमित कुमार, अवनीश कुमार, सतीश, प्रिंस सिंटू, विनीत जोशी ने बताया कि रविवार को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण युवक काफी उत्साहित है। वही मटका फोड़ प्रतियोगिता के बाद रविवार को ही देर शाम प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया जाएगा।
स्वच्छता अभियान के तहत चित्रकला निबंध व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर द्वारा शनिवार को मध्य विद्यालय पचगछिया के छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला निबंध व स्लोगन प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार के द्वारा किया गया। विद्यालय प्रधान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में 3 अलग अलग ग्रुपों में 60 छात्रों ने भाग लिया। प्रथम द्वितीय व तृतीय प्रतिभागी को CSC में समारोह आयोजित कर 21 सितम्बर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पशु चारे की किल्लत ने पशुपालकों की बढ़ाई मुश्किलें। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन से की पशु चारे की मांग। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इस वर्ष आई भीषण बाढ़ से एक तरफ जहां लोगों के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ित पशुपालकों के सामने पशु चारे की किल्लत हो गई। पशु चारा उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोगों के सामने अपने पशु को चारा उपलब्ध कराना एक समस्या बन गई। लिहाजा लोग औने पौने दामों में अपने अपने मवेशियों को बेचने पर विवश हैं। इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए गांव-गांव मवेशी खरीदने वाले व्यापारी घूमने लगे, जो मवेशियों का दाम उचित दाम की 1/4 लग रहा है। मजबूरन पशुपालक अपने मवेशियों को इन व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। रंगरा के पशुपालक महेश मंडल, सुरेश मंडल, डुमरिया के किसान सुशील मंडल, सुखदेव मंडल, शकल ठाकुर के अलावा दर्जनों लोगों ने बताया कि बाढ़ के कारण पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जिससे खेतों में लगे सभी पशु चारा और घास फूस डूबकर बर्बाद हो गया। स्थिति अब ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मवेशियों को खिलाने के लिए घास तक उपलब्ध नहीं। सदुआ और चापर के किसान उमेश मंडल, बुद्धू मंडल, सुधीन मंडल, हरि यादव, अमर यादव के अलावा कटरिया रेलवे स्टेशन पर अपने मवेशियों को लेकर रह रहे दर्जनों किसानों ने बताया कि पशु चारे के लिए हम लोगों को यहां से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। सुबह में पशु चारे के लिए निकलते हैं तो शाम में अपने घर लौटते हैं, तब जाकर अपने मवेशी को चारा दे पाते हैं। साथ ही भूसा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाने से अपने मवेशियों को भूसा खिलाना असंभव हो गया है। इसलिए हम सभी प्रशासन से मांग करते हैं कि मवेशियों को खिलाने के लिए सरकारी स्तर पर भूसे की व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग मवेशियों को भूसा खिलाकर उनकी जान बचा सकें। बर्ड गाइड का प्रशिक्षण ले रही टीम पहुंची जगतपुर, कई दुर्लभ पक्षी का किया दीदार। नवगछिया के जगतपुर झील में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की पहचान को लेकर के शनिवार को भागलपुर सुंदरवन में वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा आयोजित बर्ड गाइड प्रशिक्षण को लेकर के प्रशिक्षण पा रहे टीम के सदस्य पहुंचे, जहां पर बर्ड प्रशिक्षज्ञ मंदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा, वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने अलग अलग तरह से पक्षियों की पहचान को लेकर के जानकारी दी। इस मौके पर पक्षी को पहचानने के तरीके और उसके रहन सहन के बारे में विशेष तौर पर बताया गया। प्रशिक्षक ने बताया कि पक्षी पहचानने के लिए कई तरह की जानकारी रखनी चाहिए, जिसमें लंबी और छोटी पूंछ, चोंच, उनके खान पान और रहन सहन की व्यवस्था, बोलने की आवाज से लेकर अन्य तरह की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक अरविंद मिश्रा ने बताया कि जगतपुर गांव में मोबाइल टावर पर जिस तरह से दुर्लभ पक्षी इस समय में घोंसला बनाकर अंडे का सेवन कर रहा है, ये काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने बताया कि हमने बर्ड ट्रेनिंग कर रहे लोगों को बताया कि आज पक्षियों के बसेरे के रूप में पेड़ पौधे कम होने के कारण ये टावर जैसी लोकेशन पर अपना घोंसला बना रहा है, जो कि काफी चिंतनीय है। इसलिए हम लोगों को पौधे लगाना अनिवार्य है। इस मौके पर पक्षी गाइड अख्तर मुमताज, नवगछिया के वन विभाग के अधिकारी वनपाल आदि मौजूद थे। नवगछिया पेट्रोल पंप कर्मी के पुत्र सहित 2 नाबालिग छात्र लापता, 18 दिन बाद भी नहीं मिला कोई अता पता। नवगछिया के SP आवास के निकट स्थित संजय सर्विस सेंटर नामक पेट्रोल पंप पर कार्यरत एवं बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा पटेल नगर निवासी दिलीप कुमार झा के 15 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और उसके दोस्त तिलकामाझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सचिदानंद नगर निवासी कृष्ण नंद किशोर का 16 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार उर्फ सोनू कुमार के लापता होने के मामले में 18 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों छात्रों का अता पता नहीं चल पाया है, जबकि 2 दिनों तक बरारी से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी में काफी खोजबीन की गई। घटना 22 अगस्त की है, जब अभिषेक कुमार 10 मिनट में वापस आने की बात का घर से निकला, जो शाम तक घर नहीं लौटा। तब उसके पिता दिलीप कुमार झा द्वारा खोजबीन करने पर एक दोस्त से पता चला कि वह गंगा स्नान करने की बात कह रहा था। इसके बाद बरारी गंगा घाट के आसपास छानबीन करने पर वहां एक बाइक और लापता युवकों के कपड़े बरामद हुए, लेकिन और कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर 23 अगस्त को बरारी थाने को सूचित भी किया गया था। शादी की नियत से अपहृत नाबालिग लड़की बरामद। शादी की नियत से अपहृत नाबालिग लड़की को बीरपुर पुलिस ने बीरपुर रेलवे स्टेशन परिसर से बरामद कर लिया है। बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि बरामद नाबालिग लड़की को 164 के बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। लड़की की मां ने 10 सितंबर को बीरपुर थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने बीरपुर के मोहम्मद मुनाजिर, पिता मोहम्मद मुस्तफा एवं भाई मोहम्मद ईमान को नामजद आरोपी बनाया था।
नवगछिया के पकड़ा दुनिया टोला में मारपीट, तीन लोग हुए घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा दुनिया टोला में आपसी विवाद में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों में गंगा कुमार पिता कैलाश दास, गुंजन देवी पति गंगा कुमार, चांदी देवी पति कैलाश दास गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नवगछिया अनमली अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां से बेहतर उपचार कर सभी घायलों को घर भेज दिया गया। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004825359।